आखिर क्यों यहाँ पर लोग कब्रिस्तान में बैठकर चाय पीते हैं? आखिर कैसे? केवल छूने से ही आपका फोन चार्ज हो जाएगा। आखिर एक बच्ची के चार पैर, चार हाथ और दो दिल कैसे हो सकते हैं? तो मिलेंगे इन सारे सवालों के जवाब, बस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर वन, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी कब्रिस्तान में बैठकर चाय नाश्ता किया है, तो ये सुनकर आप लोगों को थोड़ा अजीब तो लगेगा ही कि यार कैसी बात कर रहा है, लोग कब्रिस्तान में क्यों चाय पियेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अहमदाबाद में एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट के अंदर बनी हुई है कब्र, और इन्हीं कब्रों के पास लोग बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दरअसल भाई लोग बात कुछ ऐसी है कि इस दुकान का नाम है लकी टी रेस्टोरेंट और यह दुकान 72 सालों से चल रही है। और इस टी स्टॉल के ओनर कृष्णन कुट्टी ने इस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए जब जमीन खरीद रहे थे, तब उनको ये नहीं पता था कि जो ये जमीन खरीद रहे हैं वह एक कब्रिस्तान है। और उनको इस बात का पता तो तब चला जब उन्होंने जमीन खरीद ली और उन्होंने उसी कब्रिस्तान में अपनी लकी टी स्टॉल भी खोल दी और कब्र के चारों ओर लोहे की सलाखें लगवा दी और बची हुई जमीन पर लोगों को चाय नाश्ता कराती है। वैसे यह जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर टू, दुनिया में बहुत से ऐसे मुस्लिम देश है जहां पर लड़कियों की शादी सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब के लड़कों के साथ ही करने की इजाजत होती है। यानी कि अगर मुस्लिम लड़की है तो वह केवल मुस्लिम लड़के से ही शादी कर सकती है, और अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी करना चाहती है तो पहले उसे उस लड़के का धर्म परिवर्तन करवाना होगा और फिर उसे इस्लाम कबूल करवाना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी इस्लामिक देश है जहां की लड़कियों का कानूनन दूसरे धर्म के लड़कों के साथ शादी करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि इस देश की लड़कियां अपने मन मुताबिक किसी भी धर्म के लड़के के साथ शादी कर सकती हैं और शादी करने के लिए लड़के का धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया जाएगा। वैसे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा देश है, तो भाई लोग इस देश का नाम है ट्यूनीशिया, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है और यहां की 99% आबादी मुस्लिम है। नंबर थ्री, आज के समय में फोन को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर आ गए हैं जो एक घंटे के अंदर अंदर आपका फोन जो है वो फुल चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब बहुत जल्द एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिससे आप अपने फोन को चार्जिंग पर लगाए बिना ही फोन चार्ज कर सकते हैं, तो दरअसल भाई लोग IIT मंडी के एसोसिएट प्रोफेसर अजय सोनी का कहना है कि IIT एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है जिससे शरीर की गर्मी से फोन चार्ज हो जाएगा। वैसे अभी तो इस पे रिसर्च चल रही है और अगर इस तकनीक पर सफलता मिलती है तो आप अपने फोन को कहीं भी और कैसे भी चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आप चलता फिरता पावर बैंक बन जाएगी। नंबर फोर, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि किसी शख्स ने कुकर से शादी कर ली या किसी शख्स ने मगरमच्छ से शादी कर ली, लेकिन अब आप सुनोगे कि एक महिला ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शादी कर ली। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो भैया आपको बता दें कि ऐसा हो चुका है, वो भी अमेरिका में। तो दरअसल फ्रेंड्स बात कुछ ऐसी है कि एक रिप्लाई का ऐप है, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें यूजर्स एक वर्चुअल AI को अपना साथी बना सकते हैं जिसके साथ वह बात कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। लेकिन भाई रोशना रामोस नाम की एक ऐसी महिला है जिसने रिप्लाई का ऐप के एक वर्चुअल अवतार से शादी कर ली और इस वर्चुअल अवतार का नाम है एरन कर्टन। और तो और भाई रोशना रामोस का कहना है कि यह सबसे अच्छा हस्बैंड है, यानी कि मतलब AI कितना ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो भाई ये न्यूज़ पढ़ने के बाद मैं भी इस ऐप पर गया था, लेकिन 200 MB से ऊपर होने के कारण मैं वापस लौट आया क्योंकि उतना मेरे पास डाटा नहीं था ना डाउनलोड करने के लिए। नंबर फाइव, क्या आपको पता है कि बिहार के छपरा शहर के एक मोहल्ले में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं। दरअसल भाई इस बच्ची के चार हाथ, चार पैर और दो दिल थे। और फ्रेंड्स जिस नर्सिंग होम में इस बच्ची का जन्म हुआ है उस नर्सिंग होम के डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि मेडिकल टर्म में इसे इस तरह के बच्चों को कंजॉइंट ट्विन कहा जाता है। इसमें बच्चे जन्म से ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वैसे आपको बता दें कि जन्म के 20 मिनट बाद ही इस बच्ची की मृत्यु हो गई है। वैसे यह जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।